सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यार सॉरी, जो वीडियो है ना वो काफी देरी से आ रहा है क्योंकि मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ अपने दूसरे होटल में। तो यहाँ पे यार मैं रास्ते में था, फंसा हुआ ट्रैफिक में, मैं वीडियो कार में रिकॉर्ड करने वाला था लेकिन जब मैंने चेक किया भैया इंटरनेट की स्पीड, तो यहाँ पे तो भैया हाल बहुत ज्यादा बुरा है। हमको दोस्तों यहाँ पे 1 Mbps की स्पीड भी नहीं मिल रही थी और यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा था 4G का। तो कभी कभी लगता है कि भैया इंडिया में जो मिल रहा है ना वो मतलब भैया काफी अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आप तक लेट पहुंचेगी आज, तो इसके लिए भैया मेरी तरफ से माफी। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं पहले कल के की तरह सवाल है कि भैया क्या आपको लंदन का व्लॉग चाहिए, तो आप में से 89% ने कहा हाँ जी हाँ जी और बाकी बोलते हैं भैया रहने दो। तो यहां पे यार दोस्तों कोशिश तो मेरी पूरी है, आप दिखाते हो हमेशा सपोर्ट कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आज मैं काफी ज्यादा बिजी था और कल मेरे को वापस निकलना है दुबई के लिए, तो मैं ज्यादा कुछ शूट हालांकि नहीं कर पाया लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि भैया लेके आ जाऊं आपके लिए वीडियो। अगर पॉसिबल नहीं होता दोस्तों इसके अलावा हम कुछ और काम करेंगे बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो यहां पर दोस्तों बात करते हैं आज के पोल की, तो सवाल कुछ ऐसा है कि यार अभी इंडिया में लॉन्च हो गए हैं Asus के Zenfone Max Pro M2 और Max M2, तो क्या दोस्तों आपको ये फोन पसंद आए हैं अपनी प्राइस के साथ? दोस्तों यहां पे स्पेसिफिकेशंस बड़ी ही कमाल मिलती हैं। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट सेक्शन में, और सारी बातों को मिला लो एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट की, निकल के आता है OnePlus 60 की तरफ से और यहां पर दोस्तों इसका एक नया वर्जन आ गया है 10GB की रैम के साथ। दोस्तों जो चार्जर है वो भी है 30W का नया वॉप चार्ज 30 अडैप्टर और यहां पर दोस्तों नाम है OnePlus 60 McLaren Edition। मैं दोस्तों इसकी वीडियो बना ही चुका हूं पहले और ऐसे में फोन काफी स्टाइलिश काफी कूल लगता है, जहां पर दोस्तों रैम भी ज्यादा है और ऐसे में जो चार्जिंग स्पीड है वो भी फोन की बढ़ गई है। ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च होने वाला है 12 दिसंबर को, हम देखते हैं कि इंडिया में इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी क्या रहती है OnePlus की तरफ से। बाकी मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूं, उम्मीद है आपको वो चीज जो मैं करूंगा McLaren वाले फोन के साथ में आपको काफी पसंद आएगी। दोस्तों बात करते हैं यहां पे अगले अपडेट की, जो कि बेसिकली एक काफी सैड न्यूज है और यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक 20 साल की लड़की झूले से सेल्फी लेते समय दोस्तों नीचे गिरी जिससे उनकी मौत हो गई। तो मतलब यार ये एक काफी सैड न्यूज लगती है कि अक्सर दोस्तों यहां पे हम सेफ्टी का ख्याल नहीं करते हैं, सेल्फी वगैरह जब क्लिक करते हैं तो काफी उसमें खो जाते हैं और ऐसे में कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी से एक ही अपील है कि अगर आप कभी कोई फोटो लेते हैं तो ऐसे में फोटो लेना काफी अच्छी बात है लेकिन प्लीज अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हाँ यहां से एक अच्छी फोटो आ सकती है लेकिन उस चक्कर में कुछ एक नुकसान हो जाता है, तो बेटर यह है कि अगर आप सेफ रहे तो उससे बेहतर कुछ नहीं। सेल्फी तो आप और पता नहीं कितनी बाद में क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, जो निकल के आता है Vivo Nex 2 के लिए। तो यहां पर दोस्तों Vivo ने लॉन्च कर दिया नया फोन, हालांकि इसका नाम Nex 2 नहीं है, यहां पर दोस्तों ये है Vivo Nex ड्यूअल डिस्प्ले के नाम से आने वाला नया फोन, जहां पर दोस्तों हो गया है ऑफिशियल। इसमें भी आपको मिलती है 10GB की रैम और यहां पर दोस्तों पीछे है ट्रिपल कैमरा सेटअप 12 MP प्लस 2 MP प्लस दोस्तों एक और कैमरा 3D स्कैनिंग वगैरह के लिए। तो यहां पर भैया आपके पास में सामने कोई कैमरा है नहीं बिकॉज पीछे दूसरा स्क्रीन है और ऐसे में दोस्तों ये है फोन। अभी देखते हैं कि ये इंडियन मार्केट में आता है कि नहीं आता है, दोस्तों क्या रहती है इसके बारे में कुछ और बाकी डिटेल्स। और ये जो फोन है यहां पर मिलती है 22.5W की फास्ट चार्जिंग। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट जो निकल के आता है Xiaomi के बेड साइड लैंप को लेके, और यहां पर दोस्तों ये लैंप हमने लॉन्च कर दिया है, जहां पर दोस्तों ये जो है वो ऐप के थ्रू या फिर एप्पल होम किट के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों कीमत निकल के आती है वो है 169 युआन, यानी करीब करीब 1700-1800 रुपए के आसपास। Xiaomi भैया क्या बोले, लैंप क्या, बल्ब क्या, लालटेन क्या, पता नहीं क्या क्या चीजें कहां कहां कैसे कैसे लॉन्च करता रहता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, वो निकल के आता है Tembo TA40 को लेकर। दोस्तों यहां पे ये अजीब से नाम का अजीब सा फोन दोस्तों लॉन्च हो गया इंडिया में, जो कि आता है एंड्रॉइड गो एडिशन के साथ। दोस्तों यहां पे आपको कीमत मिलती है 5,999 रुपए, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि दोस्तों फोन अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता है, जहां पे आपको मिलती है दोस्तों सिर्फ क्या बोले अभी यार 2400 mAh की बैटरी और बाकी दोस्तों प्रोसेसर है या जो रैम वगैरह है वो सिर्फ 1GB की रैम है, 1.3 GHz का एक ऐसी क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो 6,000 रुपए दोस्तों फोन बिल्कुल भी अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता। और एंड्रॉइड का जो गो एडिशन है वो पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता यार, वो ठीक चीज नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, मतलब जिन फोन का हार्डवेयर इतना स्ट्रांग नहीं है उन पर काम करता है, लेकिन ऐसे दोस्तों आप काफी जो है फंक्शनैलिटी को मिस कर देते हैं कोर एंड्रॉइड की। तो खैर एक अपडेट है कि यह नया फोन लॉन्च हो गया है Tembo TA40। दोस्तों बात करते हैं
अगले अपडेट की, तो वो निकल के आता है यहाँ पे भैया गूगल पे लगा दिया है फाइन रशिया में, और यहाँ पर दोस्तों इक्वलेंट है फाइन के अमाउंट इंडियन रुपीज में वो है कुछ 5,40,000 रुपए के आसपास। तो खैर अब गूगल इतनी बड़ी कंपनी है उसके लिए 5 लाख रुपए की दोस्तों कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो फाइन है ये इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि आपको सर्च रिजल्ट्स में कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिख रहे थे जो नहीं दिखने चाहिए थे, और इसके चलते रशिया में फाइन लग गया है गूगल पे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट की, तो भैया यहाँ पे क्वालकॉम और एप्पल की भैया चल रही है लड़ाई दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में दोस्तों फैसला ये निकला कि चाइना में कुछ स्पेसिफिक आईफोन्स के दोस्तों मॉडल्स जो है वो भैया नहीं बेचे जाए, और क्वालकॉम दोस्तों ये चीज जीत चुका है, लेकिन फिर भी एप्पल जो है भैया वो फोन बेचे जा रहा है जिन फोन पे लगी है रोक। और ऐसे में दोस्तों एप्पल ने अपील डाल दी है, लेकिन फोन बेचना रोका नहीं है भैया, फोन बिक रहे हैं धड़ल्ले से। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कुछ पुराने आईफोन के मॉडल्स की, क्वालकॉम तो खैर जीत के भी फिर हार से गया क्योंकि एप्पल जो है वो कर रहा है अपनी मनमानी। देखते हैं फाइनल फैसला क्या निकल के आता है एप्पल की अपील के बारे में, दोस्तों क्या अपडेट मिलता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे Xiaomi के प्ले स्मार्टफोन को लेके, ये दोस्तों एक चीज लीक हुई है जहां मालूम चला कि 24 दिसंबर को शायद हमें देखने को मिल सकता है एक नया फोन जो कि होगा Xiaomi Play। अब ये एक गेमिंग फोन होगा भैया, नाम सुनकर ये लगता है, या फिर क्या पता दोस्तों एकदम कोई बजट फोन हो, क्या होंगी बाकी डिटेल दोस्तों फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं मालूम है। सिर्फ एक चीज हम निकल के आई है जहां पर दोस्तों मालूम चलता लिखा हुआ है Xiaomi Play, और ऐसे में देखते हैं कि Xiaomi किस तरीके से खेलता है, किस तरीके से खिलाता है, और ये फोन कैसे लॉन्च करता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, वो निकल के आता है यहाँ पे Huawei की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है Huawei के Nova 4 की। तो ये भैया लीक हो गया, और दोस्तों यहाँ के अंदर भी आपको मिलता है इसमें पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप, ये दोस्तों हुआ है लीक फिलहाल टीना की वेबसाइट से, सेम कोने में कैमरा छेद वाला, और बाकी दोस्तों इतने क्या मिल जाती हैं डिटेल्स। तो मतलब ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि भैया 2019 में आपको नॉच के अलावा जो है ये वाले फोन जिसमें डिस्प्ले में एक छेद है वो शायद काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो वो निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से, भैया आज तो न्यूज में Xiaomi छाया हुआ है, Xiaomi का फोन, Xiaomi का प्ले, Xiaomi का लैंप, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों यहाँ बात हो रही है Xiaomi के उस फोन की जिसमें लगा होगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा। तो यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट से बोलती है, रूमर दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे भैया ये होगा एक Redmi सीरीज वाला फोन, और इसमें भी भैया डिस्प्ले के अंदर एक छेद होगा। तो ये Redmi Note 7 Pro होगा या फिर Redmi का भैया कोई दूसरा फोन होगा वो हम देखेंगे, लेकिन 48 मेगापिक्सल का कैमरा और सामने की तरफ भैया अगर आपको मिल जाए वो बेजललेस डिस्प्ले, कमाल कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग कि फ्लैश सेल में अपना नंबर आ जाए। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे Asus Zenfone Max Pro M2 और Max M2 को लेके, डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि भैया फोन लॉन्च हो गए हैं। एक में आपको मिलता है Snapdragon 660 प्रोसेसर, और यहाँ पे दोस्तों जो Max M2 है वो लेके आता है साथ में Snapdragon 632। आपको Zenfone Max Pro M2 की तो वीडियो मैं दे ही चुका हूँ यहाँ पे आज सुबह, और जो Max M2 की वीडियो है वो आपको मिल जाएगी कल सुबह। फोन मिड रेंज दोस्तों काफी अच्छे लगते हैं अपनी प्राइस के हिसाब से, तो ऐसे में काफी और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो गया है इसी दोस्तों मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट में, और ऐसे में काफी अच्छा लगता है जब एक कस्टमर को काफी सारे अलग अलग फोन्स मिलते हैं अलग अलग बेनिफिट्स के साथ में। तो यहां पे देखते हैं कि इस फोन को लेके क्या रिस्पांस मिलता है मार्केट में Asus को। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने का धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।